हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हम सुबह सुबह आए अपने खेत में, थोड़ा मन किया कि घूम लें क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, तो थोड़ा देख ले खेत का हाल कैसा है भाई। तो ये रहा पीछे अपना खेत, तभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। तो भाई ये रहा अपना खेत, और खेत का हाल ये है कि धान निकल चुका, आप देख सकते हैं ये धान निकल चुका है और बस पकने की देरी है, और नीचे पानी लग गया है, इतना पूरा पानी लगा है, ये देख लीजिए, पूरा काफ़ी ज़्यादा पानी लगा है। और अभी ये पानी सूखने में करीब 20 से 25 दिन या महीने दिन लग सकता है पूरा सूखने में, तब तक तो धान एकदम पक के काटने लायक हो जाएगा। अगर बारिश अभी नहीं आती है तब तो ठीक है। तो गाइस, धान को पकने में पूरा 1 महीने का टाइम लगेगा और पानी भी सूखने में 1 महीने का टाइम लगेगा। तो अगर अभी से बारिश अगर बंद हो जाता है, बारिश नहीं होता है, तब तो ठीक है कि बारिश धान पक जाएगा और फिर इससे कंपाइन से कटवा लिया जाएगा मशीनों द्वारा। लेकिन अगर इसके बाद भी बारिश होता है, अगर ऐसे ही पानी लगा रहा, तो फिर तो भाई वही हाल है कि सब बेकार हो जाएगा। अब इधर देख सकते हैं, इधर पूरा पानी लगा हुआ है, इधर आपको दिखाते हैं। अभी तो और पानी निकल चुका है क्योंकि जिस दिन बारिश हुआ था ना कल, तो मैं कल बारिश को चलते मतलब नहीं आ पाया, तो इस वजह से नहीं दिखा पाया, नहीं तो ये देख सकते हैं ये पूरा पानी लगा हुआ है। और ये पानी यहीं पे नहीं, ये पूरा ऊपर ये चढ़ा हुआ था, पूरा खेत के बराबर ये पूरा पानी चढ़ा हुआ था, इधर से इधर को जा रहा था, पूरा ये पानी हो गया था। तो यही है कि पानी अगर नहीं सूखा, बारिश आता रहा, तो फिर धान को छानना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। और नहीं तो बारिश थम जाती है, बारिश नहीं रही जाती, रुक जाती है, तो फिर तो ठीक है, फिर धान कोई दिक्कत नहीं होगी, कट जाएगी। तो गाइस, घूम रहे हैं खेत में, देख रहे हैं मस्ती वरी टाइम। कहला कि रेडी रखो पीस के मसाला हो, लूंगी पहिर के वो भोरे भोरे जाला हो, तो खूब मटकाई के कमर पतरी है, खूब मटकाई के कमर पतरी, सैया मारेला हो सैया मारेला, गढ़िया में गरैया मछरी, सैया मारेला गढ़िया में गरैया मछरी। तो भाई ये रहा कुछ ऐसा सीन, और मैं बता दूँ सच में दिल से ना बहुत मज़ा आता है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना जाने का दिल नहीं करता, बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है मतलब खुले, मतलब आज़ाद हो चुका हूँ, क्या बता, ऐसा लगता है जैसे आज़ाद हो चुका है आदमी, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मस्ती में घूमते रहो, मज़े लेते रहो, बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा है यहाँ से। पूरा सुनसान एरिया, पूरा मतलब क्या बताएं, कहीं कुछ भी दिखने लगा, दूर दूर तक गाँव है, मज़ा आता है यहाँ पर, जब भी आते हैं हम लोग मज़ा आता है, टाइम स्पेंड करते हैं, घंटे दो घंटे मस्ती करते हैं यहाँ पे। हे गाइस, आपसे बताया था मैंने कि वाशिंग मशीन मेरा ख़राब हो चुका है, तो अभी मैंने कॉल किया है भाई के पास जो बनाते हैं, मिस्त्री हैं, तो अभी आ रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं क्या उसमें ख़राब हुआ है। तो भाई अभी मिस्त्री भी आए हुए थे और उन्होंने देखा, वाशिंग मशीन खोला और उसमें पुल सेटर का जो नीचे का गियर होता है वो बता रहे थे ख़राब है, तो वो गए हैं लाने के लिए, देखते हैं कब तक लेके आते हैं फिर बनाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में और जो पानी में धान है उसको छान के निकाला जा रहा है, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं फिर।
गाइस ये रहा अपना धान जो कि पानी में डूब चुका है और वहाँ मम्मी चाचा जी निकाल रहे हैं लो, तभी हम भी चलते हैं, हम भी लगेंगे काम पे। तो फ़ोन को रखेंगे साइड में और लगेंगे काम पे। ये रहा अपना मशीन जो कि कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वॉशिंग मशीन बन के कम्प्लीट हो गया, कई दिनों से पड़ा हुआ था, अभी मिस्त्री साहब आए हैं और बना के गए हैं। तो अब देखते हैं, लाइट नहीं है, लाइट आती है बिजली तो फिर चेक करके देखते हैं क्या है, चलता है कि नहीं चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली बन गया तो देखते हैं क्या दिक्कत नहीं है क्या फिर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो में नया है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।